भाई मैं आज तुम लोग को बताएगा कि गोप्रो को यूज़ कैसे करना है बाहर पानी में। अगर वो थोड़ा भी लूज़ रहा तो पानी अंदर जाने के काफ़ी चांसेस है। देखो भाई, मैं आप लोग को है ना बड़े बड़े यूट्यूबर्स का बताता हूँ, जैसे कैरी मिनाटी है, हर्ष पेनीवाल है, ये लोग सब क्या करते हैं पता है ये लोग? ओके सो ऑल राइट गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ सारे ठीक और मज़े कर रहे हो। भाई ऑलमोस्ट रात होने आई है। अब मेरे को एक बात बताओ आप लोग, मैं रोस्ट कर रहा हूँ थोड़े एक दो बंदों को, साथ में लपेटने का सोच रहा हूँ, बट उसके अलावा अगर आपको क्रिंच व्लॉगर्स सौरव जोशी पे अगर रोस्ट चाहिए तो बताओ भाई मेरे को। अगर उस पर रोस्ट चाहिए तो बहुत तगड़ा रोस्ट बनाएगा भाई मैं उसके ऊपर, अगर आप लोग को चाहिए तो बताओ आप लोग कमेंट्स में क्या सोचे आप लोग की। या तो मैंने जिनको लपेटे में लेने का सोचा है उनको ही लूँ लपेटे में बराबर का। चालू है स्क्रिप्टिंग का काम, चालू है फिलहाल, जोरों शोरों से चल रहा है काम अभी, तो देखते हैं कब तक ख़त्म होता है अपना स्क्रिप्टिंग का काम अब, क्योंकि भाई बनाना है तो अच्छा बनाना है। हाँ वो बात अलग है, फिर आपको अच्छा लगे या कम ठीक लगे जो भी लगे आपको सेकेंडरी है, बट 100% तो देना है मेरे को मेरा, तब जाके मैं सेटिस्फाइड होएगा कि हाँ भाई मैंने कोशिश की, मेहनत की एटलीस्ट। भाई अभी बारिश भी बहुत है तो मैं सोच रहा हूँ आज बाहर ना जाऊँ, घर पे ही रहूँ और घर पे ही ये सारे काम निपटा लूँ अभी, क्योंकि अगर मैं बाहर जाएगा तो फुकट भीग जाएगा। और गोप्रो तो है मेरे पास बाहर व्लॉग बनाने के लिए, बट उसके अंदर मैं ये माइक नहीं लगा पाएगा, क्योंकि माइक के लिए जो वायर्स वगैरह होते हैं तो वो सारे भीग सकते हैं। गोप्रो तो भले ही वाटरप्रूफ है। भाई मैं आज तुम लोग को बताएगा कि गोप्रो को यूज़ कैसे करना है बाहर पानी में। भाई सिंपली आपको केस वगैरह का खर्चा कुछ करो मत, जहाँ तक मेरे को पता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये रहा गोप्रो, कुछ कवर वगैरह नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही यूज़ करना है आप लोगों को। बस खाली आपको ये मेक श्योर करना है कि ये यहाँ का जो ये टिप है, मतलब ये जो लॉक है इसका, ये प्रॉपरली लॉक्ड हो, क्योंकि इसी से ही सारा गेम है। अगर वो थोड़ा भी लूज़ रहा तो पानी अंदर जाने के काफ़ी चांसेस है, तो मेक श्योर कि वो प्रॉपर हो, है ना, नहीं तो फिर तकलीफ हो सकती है। वैसे भाई मैं आप लोग को मेरी सेटिंग्स दिखा देता हूँ गोप्रो की, मैं क्या यूज़ करता हूँ। मैं नॉर्मली रिकॉर्ड इसी पे करता हूँ, 4K 30 FPS वाइड एंगल सिनेमैटिक, इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट भाई अगर आप देखने जाओ तो, रुक जाओ मैं इसका दिखाता हूँ आपको, ये देखो इसके अंदर है ना 5.3K तक सपोर्ट करता है, बट भाई इतने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो 5.3K भाई इतने की ज़रूरत ही नहीं है, YouTube भी इतनी हाई क्वालिटी कैप्चर नहीं कर पाएगा और आपके व्यूअर्स मोस्टली 1080p पे ही देखते हैं। तो भाई मैं सभी को यही रिकमेंड करेगा कि आप 1080p इनफ है, काफ़ी अच्छा है। देखो भाई मैं आप लोग को है ना बड़े बड़े यूट्यूबर्स का बताता हूँ, जैसे कैरी मिनाटी है, हर्ष पेनीवाल है, ये लोग सब क्या करते हैं पता है? ये लोग शूट नो डाउट 4K में ही करते हैं, या शायद उससे भी कोई अच्छी क्वालिटी अगर है, बोलते 5K का कैमरा है कुछ तो उससे ही करते होंगे, बट वाइल एक्सपोर्टिंग वो लोग 1080p पे एक्सपोर्ट करते हैं। हर्ष पेनीवाल के मोस्टली वीडियोस 1080p ही होते हैं, कहीं बड़े यूट्यूबर्स का देखा होगा आपने कि 1080p होके भी एकदम, मतलब बोलते हैं ना मूवीज जैसी क्वालिटी देते, तो वो वही फंडा है, एक्सपोर्ट 1080p में करो बट रिकॉर्ड करो हाई रेजोल्यूशन पे, जिससे कि हर व्यूअर देख पाए। सो भाई अब रात भी काफ़ी होने आई है, इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। आज के वीडियो में बाहर तो जा नहीं पाए क्योंकि बारिश थी, तो बाहर जाके भी मैं आपको क्या ही दिखाऊँ, छाता लेके घूमूंगा हर जगह पे, तो कहीं पे करेंगे अपन प्लान थोड़े दिन में, कोई अच्छी बाइक राइड करेंगे। सो चलेगा, इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।